आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नोट 9 का फर्स्ट बूट, यानी कि जब भी आप नए मोबाइल नोट 9 को लेकर आए हैं तो इसको कैसे सेटअप करें, क्या क्या स्टेप्स। सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बहुत सारे यूजफुल वीडियोस बनाए हूँ, आप मेरे चैनल पर ब्राउज करके देख सकते हैं। तो नोट 9 एक पावरफुल बीस्ट फोन हम कहते हैं, ब्यूटी एंड बीस्ट, इसलिए क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स डाल देते हैं सैमसंग, क्योंकि इनका फ्लैगशिप डिवाइस जो होता है तो बिल्कुल जो चाहिए वो ऑलमोस्ट आप वो इस मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं पहली बार इस चैनल पर, टिटबिट्स चैनल पर, नोट 9। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 सिक्योर्ड बाय नॉक्स, ये सिक्योर्ड बाय नॉक्स जो फीचर है बहुत ही अंडररेटेड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। नॉक्स यानी कि सेपरेट एडेड लेयर देते हैं सैमसंग, यानी कि सिक्योर्ड लेयर, जो भी आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो, प्राइवेट इमेजेस हो, ये सारे चीज़ आप बिल्कुल सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं सिक्योर फोल्डर में। वो मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए एक्सप्लेन करके कि कैसे आपने जो भी प्राइवेट स्टफ्स होते हैं वो स्टोर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये है पहला स्क्रीन, हाई देयर फ्रॉम सैमसंग, एंड ये रहा स्टार्ट स्क्रीन। तो यहाँ पर जो भी आपके लैंग्वेजेस हो यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल टोटल इंटरफेस बदल देता है लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो यहाँ से आप चॉइस करें। उसके बाद ऑब्वियसली जो एरो मार्क है उस पर टैप कीजिएगा, एंड यहाँ से आपको सिम इंसर्ट करना है। अगर आप दूसरे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सिम डालना चाहते हैं तो अभी ऊपर जो ट्रे है सिम का इजेक्ट टूल दिया है उससे आप निकाल के उस ट्रे में सिम कार्ड डाल सकते हैं। ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है एंड उसके साथ एक्स्ट्रा माइक्रो एसडी कार्ड के लिए भी है, यानी कि ड्यूअल वॉइस ओवर एलटीई ऑब्वियसली क्योंकि फ्लैगशिप डिवाइस है तो ऐसे आप दोनों सपोर्ट करता है। उसके बाद कनेक्ट टू वाईफाई, अगर आपके घर में वाईफाई है तो बिल्कुल कनेक्ट कर दीजिएगा अभी, तो वाईफाई मेरे पास है तो अभी कनेक्ट करके हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जस्ट नेक्स्ट पर भी ऐसे ही टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उनको अग्री करना पड़ता है, एंड इसमें कुछ ऑप्शनल है जैसे कि डायग्नोस्टिक डेटा, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप उनके इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं एंड वो भी कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे क्योंकि रेगुलर अपडेट्स देने के लिए आपका लॉग इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वैसे आप उन लेते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर आप देना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल वो दोनों डायग्नोस्टिक डेटा एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन दोनों को छोड़ के नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। फिलहाल हम सारे अग्री करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है आपको। तो नेक्स्ट पर टैप करते ही चेकिंग फॉर अपडेट्स, क्योंकि इंटरनेट को कनेक्ट किया है तो यहाँ से अपडेट्स को चेक करेगा। उसके बाद गूगल का साइन इन करना है, अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो यहीं से आप साइन इन कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप बिल्कुल इसको सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी है तो अभी आप बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं इसको, अदरवाइज स्किप बटन है, स्किप पर आप एक बार टैप कर दें तो स्किप करने से फिर से पूछेगा आर यू श्योर, तो फिर से स्किप एनीवे। एंड यहाँ पर आपके अपने नए नोट 9 को नाम दे सकते हैं, जो भी अपने फेवरेट नाम हो आप यहाँ पर अपने डिवाइस का नाम बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर सेटअप इंटेलिजेंट स्कैन, इंटेलिजेंट यानी फेस एंड आपके आंखों को दोनों भी स्कैन करके वो एक्चुअली अनलॉक होगा, अदरवाइज सिर्फ फेस रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं एंड फिंगरप्रिंट, पासवर्ड वगैरह वगैरह सारे चीज़ है, तो वो हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इसको सेटअप करें। फिलहाल नो थैंक यू एंड स्किप, आप बाद में भी बिल्कुल इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से गूगल सर्विसेज, हेल्प एप्स, फाइंड लोकेशन, ये सारा चीज़ जो भी है वो बाद में नोटिफिकेशन से आप बिल्कुल एनेबल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डिसेबल करेंगे क्योंकि वो बैटरी ज़्यादा खाएगा आपके मोबाइल का, तो फिलहाल हम इसको डिसेबल करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, एडिंग द फिनिशिंग टचेस। इसके बाद सैमसंग अकाउंट है, तो सैमसंग अकाउंट का आप साइन इन करना है, अगर आपके अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल यहाँ से क्रिएट अकाउंट करके टैप करके नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं बाद में भी, तो इसलिए हम अभी स्किप पर टैप करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो बिल्कुल साइन इन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है रिस्टोर डेटा, अगर आपने पुराने फ़ोन्स है उससे आप यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वाया यूएसबी ओटीजी जो केबल रहता है माइक्रो यूएसबी, तो पुराने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट रिस्टोर सेटअप एज ए न्यू फ़ोन। तो यहाँ पर हम न्यू फ़ोन सेटअप कर रहे हैं नोट 9, तो यहाँ से वो आपको बताएगा कि एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ ऑन किया हुआ है फंक्शन, यानी कि 3 डेज तक आप अगर ऐप्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो फोर्सेबली स्टॉप कर देगा, फिर से आप ऐप को चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनइंस्टॉल करेगा वो। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिक्योर स्टफ, जैसे कि मैंने कहा नॉक्स का फीचर है वो बाद में देखेंगे। तो ऑल डन, योर फोन इज़ रेडी टू यूज़। तो इतने सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, होपफुली आपको ये यूज़ हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो ये रहा नोट 9 का होम स्क्रीन, बिल्कुल ब्यूटीफुल ग्रेडियंट ब्लू एज वेल एज कॉपरिश जो ब्राउन कलर है, डार्क ऑरेंज भी कह सकते हैं, तो यस ये ग्रेडियंट वाला स्किन
एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ब्लू कलर का लिया हूँ मैं डिवाइस, तो ऐसा ग्रेडिएंट कलर इन्होंने वॉलपेपर दिया है, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप, ढेर सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस है। एंड यहाँ से सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में देखेंगे तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं अगर इंटरनेट के कनेक्ट किए हैं तो अबाउट फोन पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 9.5 जो कि नया है इनका, एंड एज वेल एज एंड्रॉयड वर्जन 8.1। ऑब्वियसली एंड्रॉयड पाई आने वाला ही है कुछ समय में, तो फिलहाल ऐसे है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लूइड इंटरफेस है, बिल्कुल जो भी अननेसेसरी ऐप्स थे वो रिमूव कर दिए हैं। एंड यहाँ पर कैमरा यूज़र इंटरफेस हम देखें तो देखिए ऑलरेडी बिक्सबी विजन यानी आपको कौन सा प्लांट है क्या है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो यहाँ से आप लाइव फोकस से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स है इसमें कि उसको सेपरेट वीडियो ही करना पड़ता है, तो उसका सेपरेट वीडियो हम ज़रूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को, एंड या तो अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर अपना।